जी ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए भी क्योंकि मेरे पिता की कला यात्रा 1990 में जहांगीर से ही शुरू हुई थी। उनका सबसे पहला शो 1990 में जहांगीर के ऑडिटोरियम हॉल में लगा था, और अब जब वो कोविड में चले गए 2021 में, तो मुझे लगा कि एक उनका फाइनल शो यहाँ करना चाहिए, ताकि ये कि वो यात्रा पूरी होकर उस मुकाम पे आ सके जहाँ से वो शुरू हुई थी। लेकिन वो एक लाइव पर्सन को ज़्यादा मिले भी होता है मौका जी करने का, लेकिन नहीं है बात करना, लेकिन उन्हें नहीं मिला। हाँ, तो कितना मुश्किल रहा कैसे पॉसिबल? तो वो ऐसे हुआ कि जैसा मैंने कहा 1990 में 1990 में उनका पहला शो था, और उसके बाद उन्होंने करीब 15 शो यहाँ किए, तो एक पहचान बनी उनकी। और मैं वापस जब कोविड के बाद आया और मिलने यहाँ पर, और मैंने एक तरह से रिक्वेस्ट करी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का मौका मिले, और श्रद्धांजलि देने का तरीका ये हो कि मैं उनके चित्रों की प्रदर्शनी फिर से लगाऊँ, ताकि वो सब लोग देख सकें जो पहले नहीं देख पाए थे। तो जो वाटर कलर का काम है उनका, मैं यहाँ करीब 10 साल बाद वापस लेके आया हूँ। 10 साल पहले उन्होंने दिखाना सब बंद कर दिया था, और सिर्फ जो एक्रेलिक का काम है, जो बड़े पेंटिंग है, वही थे। छोटे पेंटिंग सिर्फ घर में रखे रहते थे। हाँ, बिल्कुल। भावनाओं का तो यह है कि अब बड़ी मुश्किल से अपने आप को नियंत्रित करके रखा है, क्योंकि जब हुआ था 1990 में, तब मैं 10 साल का था, तो बचपन की यादें भी हैं। पापा फिर वो पिता पुत्र वाला बच्चे का जो होता है कि पापा ये क्या, पापा वो क्या, लेकिन अब एक अलग वो है। अब सब पीछे जाकर लौट कर याद करना है, और अब पिता नहीं है, तो पेंटिंग का भी वैसे ही है, लेकिन अब पिता नहीं है, तो वो सारा तो खैर है ही, और बहुत ही इमोशनल वो है। मतलब बहुत मुश्किल है, और ये सही कहूँ तो मैं अपनी भावनाओं को उतनी तरह से नियंत्रण रखने में। जो बड़ी पेंटिंग्स हैं वो करीब 30 पेंटिंग हैं, और 16 पेंटिंग छोटी हैं, वाटर कलर की हैं, और मैं कुछ काम और लेके आया हूँ जो बीच प्रदर्शनी में मैं बदल दूंगा, ताकि लोगों को अलग अलग देखने को मिले, और ये प्रदर्शनी 15 मई तक चलेगी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारे जीवन में कहानीकार तब जिंदा रहता है जब उसकी कहानियाँ पढ़ी जाएं, संगीतकार तब जिंदा रहता है जब उसका संगीत सुना जाए, और चित्रकार तब जिंदा रहता है जब उसके चित्र देखे जाए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर लोग आकर देखें, तो एक तरह से वो मेरे पिता को जीवित रखेंगे, एक कलाकार को जीवित रखेंगे। और उनसे भी मिलना हुआ था मेरा एक बार, तो बहुत अच्छा लगा था। मेरे घर आए थे डिनर पे कोविड के कुछ पहले, ठीक राइट ऊपर को एक ही बार मिलना हुआ था, लेकिन आई वॉज लकी कि ब्लेसिंग्स मिल गए मुझे, बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी बातें हुई, डिस्कस कर रहा था आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, बहुत बहुत चीज़ों के बारे में, काफ़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। तो आज जब आपसे रिलीव किया आपने कुछ मोमेंट, हाँ वो तो है, क्योंकि मैंने भी देखा है उनकी पेंटिंग्स, तो इट इज़ एन इमोशनल मोमेंट वही। दीप प्रभु जोशी सर का जो कला प्रवास है, ये जहांगीर आर्ट गैलरी से ही शुरू हुआ था। उनका पहला शो, जैसा पुनर्वसु ने कहा कि जहांगीर आर्ट गैलरी के ऑडिटोरियम हॉल में हुआ था, और इनका ये 35 साल का जो कला प्रवास है बड़ा, जिसमें उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स की, और पूरे भारत में अलग अलग कला दीर्घाओं में एग्जीबिशंस किया, आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशंस किया, वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइप की कला के लिए वो जाने जाते थे। प्रभु जोशी सर का नाम एक अलग तरीके की जो लैंडस्केप है, जो लैंडस्केप जिसमें आपको ह्यूमन फिगर नहीं दिखेगी,
बजाय उसके आप अगर कुछ यूरोपियन पेंटिंग देखेंगे जिसमें ह्यूमन फिगर नहीं दिखती है, लेकिन वो ह्यूमन फिगर नहीं है इसलिए वो पेंटिंग थोड़ी सी नीरस नज़र आती है, लाइव नहीं है। बट आप प्रभु जोशी सर की पेंटिंग देखिए, उसमें ह्यूमन फिगर नहीं है फिर भी वो पेंटिंग में एक अलग से जीवन है, वो लाइफ ही उसके थ्रू पेंट करते हैं। और कुछ कुछ पेंटिंग में उन्होंने अगर ह्यूमन फिगर नहीं भी है तो कुछ कुछ में पंछी है, कबूतर है, ऐसे एक प्रतीक उन्होंने लिए है जिसे एक प्रतीकात्मक भाष्य उसमें से आता है। ये लैंडस्केप तो ही है बट उसमें से, और उनकी कुछ पेंटिंग है जिसमें एक अनोखी थोड़ी सी एक छटा होती है जिसे कह सकते हैं आप, जो डार्क टोन है, थोड़ा डार्क टोन है, और वो डार्क टोन से जो डेप्थ उभर के आती है वो बिल्कुल अलग से। ये जो प्रयोग है बहुत कम चित्रकारों ने ये करने की कोशिश की है। तो प्रभु जोशी सर तो अपने आप में एक नाम है, और पुनर्वसु अपने पिताजी को इतने साल बाद, अभी उनका कोविड में देहांत हो गया, तो ये इनके लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी को यहाँ पे शो करना एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो पुनर्वसु का भी जितना भी प्रेज किया जाए कम है, ये बहुत से कम ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने पिता के लिए इस लेवल तक आगे भी काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु सर का नाम कला क्षेत्र में तो है ही, जो लोगों के दिल में है वो ऐसा ही रहे, ये कंटिन्यूटी शुरू रहे। सो दिस इज़ अमेजिंग शो एंड इट विल बी वेरी करेजियस ऑन माई पार्ट टू टॉक अबाउट प्रभु जोशी सर्स पेंटिंग्स। दिस लैंडस्केप्स आर यूनिक इन इट सेल्फ। एनीबडी कैन से इट रिसेंबल्स टू चाइनीज पेंटिंग, दिस दैट नथिंग। इट हैज़ अ टिपिकल प्रभु जोशी सर स्टैम्प ऑन इट, एंड यू वोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टैम्प एनीवेयर बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड हिज यूनिक स्टाइल। And the interesting thing is very few paintings are kept here for the sale. Most of the paintings तो पुनर्वसु don't want to sell. तो ये सिर्फ लोगों के लिए पहुँचाना है, उनको अपना जो प्यार है पिता के बारे में ये उनको यहाँ लाया है जहांगीर आर्ट गैलरी में कि ये प्रदर्शनी हो और ये पेंटिंग्स लोगों तक पहुँचे, वरना सेल तो है ही नहीं, काफ़ी पेंटिंग्स का सेल तो कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपने पिता के प्रति जो उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि अनोखी दी है उसके लिए वो बधाई के पात्र है। पुनर्वसु का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मुझे यहाँ इस काबिल समझा कि बुलाए, और थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहूँगा आए और ये पेंटिंग देखिए, और इस पेंटिंग में जो लैंडस्केप है वो अनोखे है, और मुंबई में, मुंबई दिल्ली बेंगलोर ऐसे शहरों में ढेर सारे ऐसे कला रसिक हैं जो भले ही पेंटिंग खरीदते नहीं रहेंगे बट वो कला की तारीफ करते हैं और वो आते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में। बल्कि आधी से ज़्यादा जो यहाँ दर्शक वर्ग आता है, आधा से ज़्यादा वो कला रसिक ही है, वो भले ही पेंटिंग न खरीदे वैसे दर्शक आए और ये कला का आनंद उठाए प्रभु सर का। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जोशी के काम को अगर आप हर वर्ष भी देखें तो वो एक नई प्रतीति देता है। जिन कलाओं की दुनिया में जिस तरह की चीज़ें उन्होंने अभिव्यक्त की हैं उनमें इतनी परतें हैं, उसमें इतनी इतना अनकहा है कि एक कला का जो चरम पल होते हैं उनको आप महसूस कर सकते हैं। मैं प्रभु भाई के साथ करीब 25-30 वर्षों से लगातार उनसे जुड़ा भी रहा और उनके काम से भी वाकिफ रहा, और हर बार मुझे एक सुखद आश्चर्य है, एक चमत्कार सा लगता है कि किस तरह की चीज़ें वो अपने लिए और हमारे लिए आविष्कृत करते हैं। ये कोई बहुत सामान्य चित्रकारी नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस तरह की शोहरत इन चित्रकार इस तरह की चित्रकला को, उनके जल रंगों को नहीं मिली जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन जो उस दुनिया से वाकिफ हैं जल रंग क्या होता है और क्या वो करिश्मा कर चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि जो आम जन है उसको शायद भी उसकी इतनी भी समझ नहीं होगी।